शानदार भाई साहब, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ भीड़ है। खूबसूरत सा दिख रहा है ये गेट, कितना मस्त बना दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स राहुल पे, फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। अभी मैं ग्वालियर पे हूँ, अभी मॉर्निंग के 7:20 हो चुके हैं। तो यही वाली होटल पे हम लोग रुके हुए थे, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चाय नाश्ता के लिए। तो ये है रेलवे स्टेशन वाली रोड है, ये सामने में रेलवे स्टेशन, यहाँ पे वही समोसे। जब निकले ही है तो आपको हल्का फुल्का मार्केट दिखला देता हूँ, सबेरे का क्या माहौल है। ग्वालियर मार्केट आपको नजर आ रहा होगा, तो पहाड़ है जस्ट सामने साइड में। अच्छा किला है क्या? अच्छा तो ठीक है गाइस, तो अगर किला है तो अपन जाएंगे देखने के लिए। ये प्यारा सा मंदिर है, कहाँ गया भाई नाश्ता सेंटर? आगे देखो, अरे वाह ये शानदार सा होटल। गांधी रोड, फुल बाग, काफ़ी कुछ जगह हैं इस साइड। इस साइड भी बहुत बड़े बड़े होटल है गाइस, और रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह यहीं पे है। अभी हम लोग ये वाली ओवर ब्रिज पे चढ़ गए हैं नाश्ते के तलाश में। यहाँ पे एमपी में मैं देख रहा हूँ ऑयली ही खाना पीना मिलता है, अधिकतर यहाँ पे समोसे हैं। उस साइड में काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है। अब आइडिया तो कहीं नहीं है हम लोगों को कि कहाँ जाना है। यहाँ पे है रेलवे स्टेशन ग्वालियर का, जो मैं रात को दिखलाया था। टेम्पो देखिए यहाँ का है, ये है टेम्पो। रात के समय में इसी साइड आया था बिरयानी खाने के लिए। ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने में है ये डीडी मॉल। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ी है जो गर्मा गर्म निकल रहा है, समोसे निकल रहे हैं अभी गाइस। तो यहाँ पे डिलीवरी भाई साहब ने लिया है, क्या लिया भाई? तो नहीं मालूम भाई, अच्छा लगा मैं ले लिया खाने के लिए। ये फेमस है बोलते हैं ग्वालियर में, इसका नाम ये भूल गया है। ये यहाँ का मार्केट एरिया लग रहा है, सब्जी भाजी से रिलेटेड दुकानें लगे हुए हैं। ग्वालियर का नज़ारा देखिए गाइस, यही लग रहा है। अरे वाह, बीचों बीच ट्रेन की पटरी बिछी हुई है इस साइड में। तो एमपी में चाय बहुत तगड़ा मिलता है, अभी तक हमने एमपी में जितने भी चाय पिए हैं सब के सब टेस्टी ही चाय मिले हैं। और यहाँ पे वी मार्केट, क्या बात है। अग्रवाल मिठाई सेंटर, ये जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर उतनी क्लीन नहीं है। क्या गजब दिख रहा है भाई, शानदार। ग्वालियर सिटी कितना चहल पहल है सिटी में, और रोड किनारे में काफी कुछ दुकानें लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको इडली डोसा ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, अधिकतर यहाँ पे समोसे मिलेंगे आपको, ब्रेकफास्ट पे हो सके तो पोहा। ये यहाँ पे है महादेव मंदिर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बजाज शोरूम, काफ़ी भीड़ भाड़ है इस साइड। अभी दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और हम लोग ग्वालियर सिटी में घूमना स्टार्ट किए हैं। ये देखो कितना खूबसूरत सा चौक बना हुआ है, पुलिस वाले भाई सब लगे हुए हैं ट्रैफिक को संभालने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा रश हो गया है भाई, इस साइड में इतना भीड़ काहे के लिए लगा हुआ है भाई, ऑटो मोबाइल पे। यहाँ से चालू हो जाती है बड़ी बड़ी शोरूम जैसे मार्केट, ट्रैफिक तो बेहाल कर दिया है। यहाँ पे ओयो होटल उपलब्ध है, रेलवे स्टेशन आगे साइड में है, वो भी आप लोगों को मैं दिखला दूँगा। ये अधिकतर मैकेनिक की दुकान है गाड़ी के। और इस साइड में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, लेकिन भीड़ भाड़ में पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ देखूँ कहाँ नहीं देखूँ। भाई साहब जहाँ देख रहा हूँ वहाँ भीड़ है। पे पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये देखिए क्या खूबसूरत सा चौक बना हुआ है। तो ये पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पे सैमसंग शोरूम भी है,
ये रहा मॉल, इसका भी मैं अलग से वीडियो शूट करके आप लोगों को मैं दिखला दूंगा। जब भी आपका आना होगा तो आप यहाँ कम से कम घूम पाएंगे। यहाँ मैकडोनर है, KFC है कि नहीं ये पता नहीं। आगे में है हीरो का शोरूम और रोड किनारे में इस तरह से पूरे दुकानें लगे हुए हैं। और वो है ग्वालियर किला। और यहाँ पे देखिए रोड किनारे में कपड़े के पूरे शॉप लगे हुए हैं। अरे काफ़ी कुछ दुकान लगा के रखे हैं। लॉयंस पार्क, क्या खूबसूरत दिख रहा है। अब हम लोग सिटी के आगे और बढ़ते जा रहे हैं। पूरा घूम के आपको दिखला दूंगा मैं सिटी। पर्दे ही पर्दे, वॉलपेपर ही वॉलपेपर। अरे वाह, ग्वालियर विकास कार्यालय इस साइड में है कार्यालय। ये सुंदर सा चौक बना हुआ है। मारुति सुजुकी शोरूम, TVS। अब इतना बड़ा शहर है तो भाई जाहिर सी बात है आपको हर तरह के कंपनी के बाइक शोरूम, कार शोरूम आपको मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे कैफे वगैरह भी हैं। सिटी सेंटर आगे साइड में है। ये गार्डन है लग रहा, क्या खूबसूरत सा दिख रहा है। होंडा शोरूम, स्टेशन रोड, असिस्टेंट सीधा वाली रोड है जो ओवरब्रिज वाली, और मोती महल जाने वाली रोड इस साइड में है दोस्तों। तानसेन रोड, मोती महल, तानसेन जाने वाली रोड ये है, मोती महल वाली रोड ये है। ये क्या खूबसूरत सा चौक बना हुआ है। ICIC बैंक, तो इस साइड में कोर्ट कचहरी है, नगर निगम। ये देखिए क्या खूबसूरत सा दिख रहा है ये गेट। अरे वाह, शानदार दिख रहा है ये। देखिए गाइस ग्वालियर की शान। कितना मस्त बना दिया है, लोग यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो गाइस ये है ग्वालियर का म्यूजियम जय विलास महल। अब अंदर से आपको दिखलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। पूरे कॉलोनी में घुस गए लग रहा है हम लोग तो। दिख रहे हैं मोती जय विलास महल। ये है गाइस जय विलास महल। ये गाइस तोप जैसा दिख रहा है। ये देखिए गाइस होटल जो मैं आपको मॉर्निंग पे दिखलाया था, साईं बाबा मंदिर। अरे वाह, वो जो पहाड़ जैसा आपको दिख रहा है उसका मैं अलग से वीडियो शूट किया हुआ हूँ गाइस। तो ये बस्ती के अंदर का मार्केट है, जैसे अपने पावर हाउस में होता है उस तरह का, जैसे अपने सेक्टर में लगते हैं सुपेला मार्केट में। मुझे लगता है सस्ता मार्केट यहीं पे ही है। ये देखिए गाइस गर्ल्स के लिए यहाँ पे 200-250 में कुर्ती मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अरे काफ़ी बड़ा मार्केट है इस साइड तो। सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है ना इस साइड की, मैं बता नहीं सकता, आप खुद देखिए सड़क कितनी ख़राब है। एक तरफ से देखा जाए तो मेन मार्केट यही है, गाय को कैसे लेके जा रहे हैं दादाजी, चूड़ी लाइन। अब इस साइड लग रहा है मार्केट जैसा माहौल, भीड़ भाड़ एरिया चारों तरफ। मुरैना, मुरैना के लिए सीधा वाली रोड है। अरे वाह,
घोड़े को अच्छे से जोत रहे हो भाई साहब। अब ये नहीं पता मुझे कि ये मेन ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है, लेकिन हाँ हो सकता है तो आप यहीं पे उतरो। तो अभी तो उतने कुछ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, आपको इजीली यहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगे। हम लोगों ने भी यहीं पे होटल लिया हुआ है गाइस। तो ये सुंदर सा चौक है, सतमैव जयते भी रेलवे स्टेशन है। मैं बताया ना आपको, यहाँ पे एक नहीं दो तीन रेलवे स्टेशन है। अब मेन कौन सा है कोई आइडिया नहीं है। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन पे पोहा वगैरह मिल जाएंगे, नाश्ता सेंटर लगा है, और जस्ट सामने में है ये मॉल, डीबी मॉल। तो मॉल वगैरह भी आप घूम सकते हैं, और यहाँ पे खाने पीने और रहने के भी होटल मिल जाएंगे।